हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा ज्ञान चैनल पे। टुडे डे 17 इज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, एंड दोज हु डोंट नो अबाउट मी, यस दिस पेज इज फॉर यू। और हाँ, हर वक्त बोलती हूँ ना कि नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं, इससे ज़्यादा आई हैव सम बेटर यू नो सेंटेंस फॉर ऑल ऑफ यू। हियर इज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन विच इज अबाउट टू अनफोल्ड बिफोर यू वेरी आईज नाउ। अच्छा है ना, जब आप भी प्रेजेंटेशन कुछ शुरू करते हो ऐसे कुछ बोलो तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाए आपका क्लास। ओके, एंड दिस बीइंग टोल्ड बाय माय फ्रेंड जितेंद्र, एंड हाँ बहुत सारे हैं, इनके ऊपर भी आई एम ट्राइंग टू कम अप विद अ प्रेजेंटेशन, डू वॉच आउट फॉर दैट एज वेल। एक हफ्ता तो लग जाएगा क्योंकि पहला प्रायोरिटी हमारा सीटेट का क्लासेस जो है इनके ऊपर है। ओके, ऑन पेडागॉजी को कम्प्लीट करो तब वो करेंगे। तो कमिंग टू रीडिंग स्किल, ये क्या होती है? पिछले क्लासेस में भी ऑल्सो चेक्ड अबाउट व्हाट इज LS, लिसनिंग स्पीकिंग। LSRW में R और राइटिंग दोनों में बाकी है, और ये दोनों आज हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, रीडिंग 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 क्या हो रहा है यहाँ, बच्चा क्या कर रहा है? ओके, रीडिंग इज़ द रिसेप्टर स्किल, यानी आप रिसीव करते हो वो स्किल व्हेन यू आर रीडिंग इन द रिटन मोड। जो रिटन मोड में है, यू आर ट्राइंग टू रिसीव व्हाट इज इट इन द रिटन मोड, राइट? इन हाईली डेवलप्ड लिटरेरी सोसाइटीज रीडिंग स्किल कैन डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यानी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है कि बच्चे स्ट्रेट अवे राइटिंग सीखते हैं बिना रीडिंग के, और बिना लिसनिंग के, बिना स्पीकिंग के। दिस चाइल्ड माइट नॉट लिसन टू एनीथिंग, माइट नॉट स्पीक एनीथिंग, बट स्ट्रेट अवे ही कैन लर्न रीडिंग। ओके, इंडिपेंडेंटली ऐसा भी होता है कभी, एंड हाउएवर एट टाइम्स इट डेवलप्स अलॉन्ग विद देम। धीरे धीरे कैसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डेवलप्स अलॉन्ग विद देम, क्योंकि उनका मदर टंग वो होता है, देन दिस हैपन्स जनरली। रीडिंग कैन एड इन बिल्डिंग वोकैबुलरी दैट हेल्प्स पर्टिकुलरली इन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एट लास्ट स्टेजेस। तो रीडिंग से हमें क्या होता है, इट क्या करता है वो, इट एड्स इन बिल्डिंग माई वोकैबुलरी। अगर हर रोज आप पढ़ते जाओ तो कुछ ना कुछ नए मीनिंग्स आदत हो जाएगी। हाँ, पर्टिकुलरली जब आप सुन रहे हो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इन लास्ट स्टेजेस में, वेन यू आर सीरियसली लिसनिंग, ऑल दिस विल हेल्प, है ना? एंड हाँ, माइक्रो स्किल्स, इनके माइक्रो स्किल्स क्या हैं आज देखेंगे। अर्लियर आई एम श्योर यू हैव ऑल चेक डे 15, 16, 17, नहीं तो डे 15 में व्हाट इज़ माइक्रो स्किल, व्हाट इज़ माइक्रो स्किल, ये सब ऑलरेडी बोल चुके हैं। आई वांट यू टू वॉच दोज वीडियोज इफ़ यू हैवंट येट, तभी यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, फिर भी लेट मी टेल यू, माइक्रो स्किल्स इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऑल दैट, है ना? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रो स्किल्स ऑफ और रीडिंग पार्ट, कैसा माइक्रो स्किल्स, यानी वी फो हमारा फोकस किस पे होगा, वोकैबुलरी के ऊपर होगा। वो जो भी आप रिटन कॉन्टेक्स्ट है उसको देख के वो वोकैबुलरी सीखते हो, और ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ, वो भी एक पार्ट ऑफ योर रीडिंग होता है। एंड आपको सेंटेंसेस डिटेक्ट करनी होती है कि जब एक सेंटेंस लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। राम इज अ राम प्लेड विथ निष्कल, जब मैं बोल रही हूँ राम प्लेड विथ निष्कल कौन सा सब्जेक्ट है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा विथ निष्कल विथ अ फुटबॉल, तो ये सेंटेंस में क्या है, प्रीपोजिशन है या नहीं, सब्जेक्ट है नहीं है, ऑल दैट यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट जब आप रीडिंग में होते हो। और रिकग्नाइज बेसिक सिंटैक्स पैटर्न्स, यानी कैसे सेंटेंस फंक्शन होता है, यू शुड बी नोइंग। दिस इज वॉट, दीज आर द स्किल्स, माइक्रो स्किल्स ऑफ रीडिंग, समझ में आएंगे। दिस इज ऑल टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दिस इज वॉट हैपन्स, रीबिल्ड एंड डिड्यूस सिचुएशन, गोल्स एंड पार्टिसिपेंट्स। तो रीडिंग होने के बाद हम राइटिंग का भी देख लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट है ये ऐसे कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा आपको समझ आ जाएगा तो बहुत आसानी होगी। सो बिलो आर सम ऑफ द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग। द रीडर हैज़ टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट, यानी मैं जब मैं स्क्रिप्ट, ये मैं ही हूँ, सो द स्क्रिप्ट यहाँ पे जो कुछ है, आई शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट ना। अगर आप बैठे हो यहाँ पे तो दिस मीन्स एस्टैब्लिशिंग एन एंटिटी बिटवीन साउंड्स एंड सिम्बल्स। मुझे जब
बोल रही हूँ, आई एम नॉट बोल रही हूँ, आई एम, व्हेन आई एम रीडिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उसके एसोसिएशन, उनके रिटर्न सिंबल, सबको मुझे समझ में आना चाहिए. आई शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग, है ना, आइडेंटिफाई द वोकैबलरी यूज, क्या वोकैबलरी यूज, उसका अर्थ क्या है, वोकैबलरी यानी, एंड आइडेंटिफाई अ की वर्ड्स, आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज, एक की वर्ड्स के मालूम क्या है, उनका आइडिया क्या है, क्यों दिए गए हैं, ये सब भी मालूम होना चाहिए. एंड माइक्रो स्किल्स में और की पॉइंट्स लास्ट फ्यू चार है, ये भी देख लेंगे. यूज बोथ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल कोहेसिव डिवाइसेस टू मेक द फोर गोइंग इन्फरेंसेस, प्रिडिक्ट आउटकम एंड इन्फर लिंक्स एंड कनेक्शंस अमंग द पार्ट ऑफ द टीम. बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है ना ये बात, इसमें वेरी सिंपल थिंग इज, इट्स नथिंग लाइक यू नो व्हाट द सेंटेंस सिंपली सेज, कि जो कुछ आप सीखते हो पूरे को एक दूसरे से करेक्ट कर लेना. ओके, अमोंग द पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट हो, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, सब यू नो, व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दिस ग्रामर, वोकैबुलरी, इट्स मीनिंग, इनर डेप्थ, व्हाट डू दे मीन बाय सेइंग दिस, ऑल दिस, दैट इज व्हाट इज दिस सेंटेंस मीन्स. तो गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बात है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल वट वन एक्वायर्स थ्रू रीडिंग. और डिस्टिंग्विश द मेजर आइडिया फॉर सपोर्टिंग डिटेल्स, ये भी एक स्किल होता है जो बच्चे सीख जाते हैं कि वो सपोर्टिंग डिटेल्स की क्या है. एंड फाइन ट्यूनिंग रीडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट रीडिंग पर्पजेज, सच एज सर्चिंग फॉर मेन आइडियाज और स्टडिंग इन डेप्थ. तो जब हम रीडिंग स्किल डेवलप होता है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन, हमारे रीडिंग स्ट्रैटेजीज बदल जाते हैं धीरे धीरे, और हमारा पर्पस भी बदल जाता है मेन, हम स्टडी इन डेप्थ करने के लिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्किल वो एक्वायर होता है धीरे धीरे, जितना हम प्रैक्टिस करें उतना अच्छा. इसीलिए इट इज़ टोल्ड टू यू रीड एज मच एज पॉसिबल, इट्स गोइंग टू चेंज यू. वन बुक इज इक्वल टू ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, यू नो. तो आई वुड से दैट दैट इज़ नॉट ईजी, वन पर्सनस लाइफ टाइम की हार्डवर्क होती है एक बुक, राइट. एक बुक लिखना इतना आसानी बात है क्या? लॉट ऑफ रिसर्च होने के बाद ही कुछ बुक प्रिंट हो जाते हैं. तो वेन यू सी देन रियली मेक सम सेंस फॉर, तो रीडिंग जब ऐसे बुक्स को हम जब पढ़ते हैं बहुत कुछ सेंसिबल होती है. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना टू लिंक्स टू बाई माई बुक. और हाँ, कमिंग टू द राइटिंग स्किल, जब राइटिंग स्किल के बात करना है, राइटिंग स्किल, राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल एंड इट इज एज वेल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन. देखो, राइटिंग आप जो आप बोलो, इज राइटिंग सो इजी फॉर यू, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड स्किल ही होता है ना राइटिंग, क्योंकि कभी दिस कुड बी टफ इवन फॉर नेटिव स्पीकर्स. जब किसी को हम बोलते हैं कि आप लिखो, बहुत कुछ होते हैं, हाउ यू रिप्रेजेंट, आपका स्पीच जो कुछ होता है, प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड वगैरह लिख पा रहे हो या नहीं, बोलने में आसानी होती है लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, राइट. सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं यार, हर एक लर्नर को ऐसा ही होता है, चाहे वो नेटिव स्पीकर यानी उनके मदर टंग वही हो या ना हो, राइटिंग इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑल द अदर मैक्रो स्किल्स जो कुछ मैं बोल सकती हूँ. तो कमिंग टू माइक्रो स्किल्स ऑफ राइटिंग, व्हाट आर द माइक्रो स्किल्स, व्हाट आर द स्किल्स इन्वॉल्व व्हेन हम राइटिंग का करते हैं, क्या ख्याल होता है. ऑर्थोग्राफी यानी जो कुछ हम लिख रहे हैं वो सही स्टाइल में लिख रहे हैं, सही समझने वाले स्टाइल में लिख रहे हैं या नहीं, स्क्रिप्ट, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वो देखना पड़ता है. और यूज़ अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ, कौन सी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो जो वर्ड्स मैं यूज़ करी वो राइट मीनिंग ऑफ माय थॉट प्रोसेस कन्वे हो रहा है या नहीं. अगर जेंडर की बात है वो बहुत केयरफुल हो, मिस हो, मिस्टर हो, मिसेस हो, आप जो भी डालते हो उससे बहुत इम्पैक्ट होती है बाद में. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, नहीं बोलने में नहीं होता, यू विल बी वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट टाइटल्स यू गिव टू देम. तो यूज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ड्स, दिस मे मीन यूजिंग फॉर्म्स दैट कन्वे द राइट टेंस जेंडर. Organize words together in right direction so that sentence makes sense, idea convey. तो ideas को अच्छी तरह organize कर लेना, that is what it says.
ओके एंड यूज वोकैबलरी करेक्टली. आप वोकैबलरी जो कुछ यूज करते हो सही यूज करना, स्टाइल हो, फिट्स, वो जेनर के लिए किसके ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हो, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए. ओके एंड मेन सेंस कॉन्स्टिट्यूट सच एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये हर स्किल में होगा, रीडिंग हो, राइटिंग हो, हाँ सब में इसकी ज़रूरत होती है. मेक द बेसिक आइडिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम सपोर्टिंग आइडियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. और बेसिक यानी आपके बेसिक आइडियाज़ नो डिस्टिंक्ट क्या है एक्सक्लूसिवली, आपको जब लिखते हो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर. और टेक्स्ट बहुत लॉजिकल होना चाहिए ताकि कोई भी देखे उनको समझ में आ जाए, एंड डेवलपमेंट ऑफ योर आइडियाज़ भी हो जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, येस इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू जज हाउ मच बैकग्राउंड नॉलेज द ऑडियंस हैज ऑन द सब्जेक्ट एंड क्लैव क्लैरिटी ऑफ वॉट इज एज्यूम दैट दे आर अनअवेयर ऑफ. ओके तो दैट्स ऑल फॉर टूडे माई डियर फ्रेंड्स. आज का टॉपिक हो गया अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स विद दिस आर हमारे लैंग्वेज स्किल्स का खत्म हो गया विद दिस वीडियो. ओके एंड नेक्स्ट सेशन में हम टीचिंग लर्निंग मटीरियल देखेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, वो दो चैप्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एज अ टीचर यू शुड वेरी वेरी वेल नो अबाउट दीज टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स. हाँ एंड डोंट फॉरगेट टू बाई दिस बुक ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी. इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टोर्स. लॉकडाउन खत्म होते ही अवेलेबल है, अभी भी पता नहीं एक दो जगह इट इज़ अवेलेबल, अदर प्लेसेस इट इज़ नॉट अवेलेबल इज़ वॉट आई सी. जब तक ये लॉकडाउन पूरा खत्म नहीं होता दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी डू बाय नाउ द ई कॉपी ऑफ इट, वो तो ऑलवेज अवेलेबल है. ओके एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो इफ यू पसंद आया तो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. बाय बाय, टेक केयर.